हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का नया टॉपिक। तो हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज की सीरीज़। पहले के टॉपिक्स की तरह इसको भी हम 4-5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो परसेंटेज डे 1 की क्लास में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बेसिक मेथड्स के बारे में। तो वो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास परसेंटेज डे 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द डे। एक दिन का कितने परसेंट है। तो आपको यहाँ पर 1 घंटा और 45 मिनट दिए हैं, मतलब 2 यूनिट्स। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ही यूनिट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 45 मिनट टोटल हो गए 105 मिनट, डिवाइडेड बाय टोटल मिनट्स कितने हैं एक दिन में। तो वो होंगे 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, और परसेंटेज निकालनी हो तो इंटू 100, जैसे हम अपने मार्क्स के लिए लगाते हैं कि जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ए नंबर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो कोई नंबर है, उस नंबर को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो एक जो नंबर है वो मान लीजिए टोटल है एक्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहले में से हमने माइनस किया एक्स माइनस वाई, और दूसरा नंबर हमारे पास बच गया वाई। तो ये 2 नंबर हैं, एक है एक्स माइनस वाई और दूसरा है वाई। मान लीजिए पहला नंबर वाई और दूसरा नंबर टोटल में से उस वाई को माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसकी बनेगी 2 इक्वेशंस। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट वाई था तो वाई का 80% इज इक्वल टू 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट के एक्स माइनस वाई के 60% से 3 ज़्यादा है। तो इट मीन्स इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 3, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, सेकेंड पार्ट 80% ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, ये कब इक्वल होते हैं, जब इन्होंने कंडीशन लगाई है 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो अगर इसमें हम 6 ऐड करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपने अब जस्ट इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, अपने आंसर को, एक्स को। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका एक और सिंपल मेथड भी है। नंबर है, मान लीजिए अपने पास कोई भी, इस नंबर के हमने बनाए 2 पार्ट्स, एक बनाया एक्स और एक बनाया वाई। तो या इसको हम लिख लेते हैं, एक बनाया एम और दूसरा बनाया एन। 80% ऑफ एम इज इक्वल टू 60% ऑफ एन प्लस 3,
90% ऑफ एम इज इक्वल टू 80% ऑफ एन इधर करेंगे प्लस 6। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हमने फाइंड आउट करनी है एम और एन की वैल्यू। तो एम और एन की वैल्यू को मैं और सिंपल कर देता हूँ। अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 300 इन प्लेस ऑफ 3। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 600। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 100 हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 80m इज इक्वल टू 60n प्लस 300, 600 प्लस 90m इज इक्वल टू 80n। अब और सिंपल हो गया है, हमने m और n की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजीली इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट रुपीज 180 आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मैनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 48? 48 रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं? तो कोई सॉक्स हैं जिनका रेट जो है वो कोट किया गया है 180 रुपीज़, और इन पर 20% का डिस्काउंट है। तो इट मींस 180 के 80% पर ये सॉक्स जो हैं वो दी जा रही हैं। कितनी डजन सॉक्स? तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 रुपीज़। तो 144 रुपीज़ की कितनी सॉक्स हैं? 12। एक सॉक्स कितने की होगी? 144 डिवाइडेड बाय 12, और हमारे पास आ जाएगा 12 रुपये पर पेयर। तो 48 रुपीज़ में कितने पेयर्स आएंगे? 48 बाय 12 मीन्स 4 पेयर्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज। इफ इट्स यूज इज इंक्रीज्ड बाय 40%, द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। तो इट मींस कि 35 डेज में 100% जूस जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो एक दिन में कितना होता है? 100 बाय 35, ठीक इतने परसेंट। अगर इसकी 40% कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब जितना ये एक दिन में यूज होता है उसका 40% इंक्रीज कर दिया जाए इंटू 40 बाय 100, तो इतना यूज़ होगा एक दिन में। अब ये कितने दिन चलेगा? तो है तो वही 100 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 35 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इतना। तो ये तो हमारे आंसर में कहीं पर भी नहीं है, तो हमने मिस्टेक कहाँ की? इस जगह पर हमने मिस्टेक की। 40% इंक्रीज करना था, मतलब कंजम्पशन कितनी होनी थी? 140%। तो यहाँ पर आना था 140 बाय 35, नीचे आना था 140, तो यहाँ पर आता 7। तो 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। तो पता चला कि यहां पर इस चीज के चेंज होने से कैसे नंबर ऑफ डेज चेंज हो गए। तो आपको इनको ध्यान से करना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 83:1/3% ऑफ ₹90, 90 रुपये का 83:1/3 मतलब कितना हो जाएगा? 250/3 इतने परसेंट मीन्स इंटू 1/100 ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स। तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करनी है। 30 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 75 इक्वल टू 60x, एक्स इज इक्वल टू 75 बाय 60 इंटू 100 कैंसल, ये आ जाएगा 125। तो ये आएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम 66। इनिशियली द नंबर वाज, मान लीजिए इनिशियल नंबर था एक्स, तो ये जो 66 है ये इस एक्स का 120% है, क्योंकि 20% इंक्रीज करने के बाद आया है। तो एक्स की वैल्यू 66 इंटू 100 बाय 120। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 11, 5, 55। तो आंसर इज 55। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज्ड नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। इसको मैं एक मेथड से करता हूँ जो आप ध्यान से समझें, ये आपको डे टू की क्लास में भी काफ़ी काम आएगा। मान लीजिए नंबर था 100, 20% इंक्रीज किया बन गया 120। 20% इंक्रीज के बाद अब इसको वापस से 100 बनाना है तो कितना डिक्रीज करने पड़ेगा? 20। किसका? 120 का इतने परसेंट। तो ये होगा हमारे पास 2 6 12, 10 100 बाई 6, ₹16:2/3%। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप 100 लेट करके चलें जिसमें सिर्फ परसेंटेज हो। तो आई होप आपको सभी बेसिक्स परसेंटेज के समझ आ गए होंगे। इसी के रिलेटेड हमारी अगली वीडियोस आएंगी जिसमें हम परसेंटेज की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।